फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंडर मॉमी। आज मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं किस चीज के ऊपर जो है वीडियो बनाऊं। तो जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो है स्पीच डिले। स्पीच डिले होता क्या है? आपका बच्चा जब बात नहीं कर सकता है, मोस्ट प्रोबेबली एक साल के बच्चे जो है वो बात करना शुरू कर देते हैं, सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाते हैं। लेकिन जिस बच्चे को स्पीच डिले का प्रॉब्लम होता है, ही इज नॉट एबल टू और शी इज नॉट एबल टू स्पीक टिल दी एज ऑफ 5, वो 5 ईयर्स का भी हो जाए तो वो बात नहीं कर पाता है। तो ये क्यों होता है और इससे कैसे ठीक किया जाए, क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं, क्या इसके जिम्मेदार पेरेंट्स हैं या बच्चे को ये जीन्स का प्रॉब्लम है जो ये होता है, तो आज सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगी। वीडियो को छोटा करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, जिससे लोगों को समझने में भी ईजी हो और वो आराम से समझ भी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीच डिले होता क्या है? जब आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता है, हियरिंग प्रॉब्लम या स्पीकिंग प्रॉब्लम हो सकती है। आपका ब्रेन जब नर्वस सिस्टम से सही से कनेक्ट नहीं कर पाता है तो या तो बच्चा जो है वो बहरा हो जाता है, वो सुन नहीं पाता है, या तो फिर वो गूंगा हो जाता है। अब वो गूंगा है या नहीं ये तो 5-6 साल के बाद ही पता चलेगा। आप जो भी एक्शन करते हैं उसका सीधा रिएक्शन जो है वो ब्रेन से आता है, जो नर्वस सिस्टम जो हमारे अलग अलग पार्ट्स में है उनको मैसेज पहुंचाता है। जब बच्चा बोल नहीं पाता है, वो कोशिश करता है बट ब्रेन उसको अलाउ ही नहीं करता है वो एक्शन को इनैक्ट करने के लिए। सो दिस इज द ओनली रीजन बच्चे जो है वो चाहकर भी सेंटेंस बनाना या कोई वर्ड पर्टिकुलर बनाना नहीं कर पाते। पहले हम कुछ भी बोलना चाहते हैं, पहले हम उसको ब्रेन में अरेंज करते हैं, उसके बाद अपने मुंह से वर्बली निकालते हैं। बट बच्चे जो है उनका ब्रेन इतना वीक रहता है कि वो ब्रेन में कुछ बना ही नहीं पाते। सो नाउ नेक्स्ट इज कि ये प्रॉब्लम कितने साल के बच्चों में होती है? ये प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4, 5 साल तक के बच्चों में हो सकती है। एंड 5 साल के बाद अगर उसको स्पीच डिले है तो वो आराम से ठीक हो जाता है। 5 साल के बच्चे मोस्ट प्रोबेबली पूरे सेंटेंसेस बोलते हैं, 3, 4, 5 sentences, 6 sentences बोलते हैं, ऑलमोस्ट पूरी बात ही करते जैसे हम कर रहे हैं। बट जो बच्चे को स्पीच डिले होता है ना, वो 5 साल में एक सेंटेंस मुश्किल से बनाना वो शुरू करते हैं एंड स्लोली स्लोली वो ठीक हो जाता है। तो चलिए हम ये रीजन देखते हैं, क्या इसका रीजन फोन है? क्या फोन से जो बच्चे हैं उनका स्पीच डिले हो रहा है? तो यस, बहुत सारे रीजंस में फोन भी एक ऐसा रीजन है जिससे आपके बच्चे का स्पीच डिले होता है। क्योंकि पहले जमाने में ये सब प्रॉब्लम होती ही नहीं थी क्योंकि उस वक्त फोन ही नहीं था। आपका बच्चा जब बात नहीं करेगा तो वो फोन देखते रहेगा और उसका स्पीकिंग स्किल्स अच्छा नहीं होगा। अब आप ये बोलेंगे कि सारे बच्चे फोन देखते हैं, वो तो ऐसे नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट, सारे बच्चे अच्छे है, नॉर्मल है। उसमें से 1-2 बच्चा जिनको स्पीच डिले है और अगर वो उनको फोन दिखा दिया जाए तो उनका स्पीच डिले परमानेंट हो सकता है। आप समझ रहे हैं? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ फोन से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बच्चों का स्पीच डिले है वो फोन भी देखेंगे तो उनका और ज्यादा स्पीच डिले होगा। नाउ नेक्स्ट, इसके रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स है या नहीं? जी हाँ, इसके रिस्पॉन्सिबल पेरेंट है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपका बच्चा जब छोटा रहता है ना तो आप उनसे बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में बात करना शुरू करते हो। पानी को लोग मम बोलते हैं, वॉशरूम जाना है तो सुसु बोलते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है। खाना को हापू हापू बोलते हैं। ये सब वर्ड्स ना सही नहीं होते हैं। आप जो बोलोगे, आप वो करोगे, आपका बच्चा जो है वो वही सीखेगा। आप उसको हापू हापू बोलोगे तो वो खाने को हापू ही बोलेगा। आप उसको मम मम बोलोगे तो वो बड़े होके भी मम बोलेगा। आप उससे सेंटेंस में बात करो, वो बच्चा है, आप बच्चे थोड़ी ना हो। आप सेंटेंस बना के बात करो, वो एक ना एक दिन जरूर सीखेगा या सीखेगी। आप उससे ये वो करोगे तो आप क्या सिखाओगे उसको? आप वीक स्टूडेंट हो, टीचर तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाती है ना। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो ग्रेजुअली अडाप्ट कर पाते हैं, जो वीक बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते, बट आस्ते आस्ते टीचर जो सिखाती है वो फाइनली सीख जाते हैं। टीचर भी उनके तरह वीक बन जाएगी, उनको सही से एक्सप्लेन नहीं करेगी क्योंकि बच्चा का ब्रेन तो वीक है, मैं भी उनको छोटे छोटे सेंटेंस में एक्सप्लेन करूंगी। नहीं, आप जैसे आप वैसे रहिए। आप पानी को, अगर आपको हिंदी सिखाना है तो पानी को पानी बोलिए, या अगर आपको इंग्लिश सिखाना है तो पानी को आप छोटे से ही बच्चों को वाटर बोलिए। बहुत पेरेंट ये भी बोलते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश में नहीं बात कर सकता। अरे आप टीचर को क्यों बोलते हो कि इंग्लिश में बात करनी? स्कूल की टीचर, ट्यूशन टीचर आपके बच्चे को इंग्लिश नहीं सिखा पाएगी। आपको स्टार्टिंग से ही उससे इंग्लिश में बात करना होगा, स्टार्टिंग से, क्योंकि बच्चा हिंदी सीख रहा है तो इंग्लिश क्यों नहीं सीख जाएगा? हिंदी सीखने के लिए क्या हिंदी के व्यंजन और स्वर उन्होंने सीखे थे? नहीं। तो इंग्लिश सीखने के लिए भी उनको प्रेपोजिशन, ग्रामर, कंजंक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी बेटी से छोटे से इंग्लिश में बात किया एंड नाउ शी इज 3.4 months और वो आराम से एक सेंटेंस बनाती है। जैसे अगर उसको खाना है तो शी सेज आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, आई वॉन्ट टू ईट मैगी,
आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू कम हियर, एवरी थिंग 6-7 सेंटेंस में वो बनाती है, इन ऑफ टू सब लगाती है. हाय इवा, हाय इवा. ओ बाबा, इवा वांट्स टू स्टैंड, इसको खड़ा होना है. इवा बस उसको पता ही नहीं है कि ये प्रेपोजिशन कंजंक्शंस है क्या, लेकिन वो मिला रही है, वो जोड़ रही है. हम क्लास 1-2 में पढ़ाते हैं व्हाट आर कंजंक्शंस एंड देन बट लगाना है एंड व्हाट आर प्रेपोजिशंस, चीजें ऊपर है तो ऑन, नीचे है तो अंडर, बट वो आराम से लगा रही है क्योंकि उसने कभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि उसके साथ हमने छोटे से ही बात किया है. मैं बहुत सारे वीडियोस भी आपको शेयर करूंगी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं. हाँ गो 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 गो, दैट्स इट. यू विल सी देयर इज अ डॉग. कि ईवा से हम कंटिन्यू इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है. तो आपको अगर इंग्लिश सिखाना है तो आपको छोटे से बच्चे से इंग्लिश में बात करना पड़ेगा. यू कैन नॉट रिलाई ऑन द टीचर्स की मैम या ट्यूशन मैम सिखाएंगे, बिकॉज ट्यूशन मैम 1 घंटे के लिए आती है और आपका बच्चा 4-5 घंटे स्कूल में रहता है, सारा दिन आप उसके साथ रहते हैं. सो यू हैव टू स्पीक विथ हिम और हर इन इंग्लिश. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, यस, पेरेंट्स जो है जिम्मेदार है बच्चों का स्पीच डिले में. मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा, मेरे खुद के स्कूल में देखा है कि बच्चे जिनको स्पीच डिले है, जो बात नहीं कर सकते, उनसे अजीब तरीके से बात करते हैं, जैसे कि आओ आओ, मम पियो पियो, ये कैसा, ऐसे नहीं बात करते हैं. हापू खाओ खाओ, क्यों आप ऐसे बात कर रहे हो, वो कैसे सीखेगा. जब तक आप उससे सेंटेंस में नहीं बात करोगे, वो कैसे सीखेगा कि अच्छा इस वर्ड को यहाँ लगाना है या उस शब्द को वहां लगाना है. आप ही उसको बिगाड़ रहे हो, बाद में आप ही कंप्लेन करते हो. सो बच्चे जैसे भी हैं, रीजंस तो है, जीन जेनेटिक का प्रॉब्लम है, बट बहुत सारी चीजें जो घर से भी आती है, जो बच्चे ऐसे हो जा रहे हैं. नाउ जो नाउ इससे बाहर निकलने का उपाय क्या है, तरीका क्या है. इससे बाहर निकलने का तरीका एक ही है कि यू हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विथ योर किड. अगर बच्चा कोई केयरटेकर के साथ भी है तो केयरटेकर को भी आपको बोलना चाहिए कि फोन नहीं देना है, उससे बात करना है, विच आई थिंक वो इतना नहीं करेंगे बिकॉज वो उनके बच्चे नहीं है. सो केयरटेकर को भी साइड पे करते हैं. एज अ पेरेंट यू नीड टू स्पीक टू योर चाइल्ड. सब बच्चे को स्पीच डिले नहीं होता है, तो जिनको स्पीच डिले होता है, एक पेरेंट को हमेशा उस बच्चे के साथ रहना चाहिए. आप बच्चों को इमोशनली डेवलपमेंट करवाओ, उनको इमोशनल बनवाओ, उनको ऐसे ऐसी बातें बोलो जिससे वो इमोशनल हो जाए, उनका इमोशनल स्किल्स चेक करो. आप रो, आप उनको सॉरी बोलो, या आप रो, आप दिखाओ कि आप सैड हो, आपको वो टॉय चाहिए, वो आपको लाके दे रहा है या नहीं, है वो बोल रही है या नहीं कुछ, आप ये सब चेक करो. जितना ज्यादा हो सके उनके संग प्ले टाइम करो, उनसे बातें करते रहो, स्पीच लाते रहो, सेंटेंसेस बनाते रहो, वो एक ना एक दिन सेंटेंस को जरूर पकड़ेगा. एंड उनके संग एकदम एंजॉय करना है, पार्क ले जाना है, ये ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी मैंने बोला था, बट जो स्पीच डिले है उनके साथ भी उनको पार्क ले जाना है, उनको स्कूल में भेज देना है जल्द से जल्द, क्योंकि बाकी सारे बच्चे जो बात करेंगे ना, बच्चा बच्चा को देखकर सीखता है, उसको उत्सुकता होती है ना, एंशियस होता है कि मुझे भी उसकी तरह करना है. तो आप ये सब करिए. स्पीच डिले एक बीमारी नहीं है, स्पीच डिले घर से ही आता है और घर के लोगों को ही इसको ठीक करना चाहिए. फोन का स्क्रीन टाइम एकदम खत्म या कम कर देना चाहिए. एंड यस, My good wishes are always with you. बहुत सारे बच्चे जो है मैंने हैंडल किए हैं, स्पीच डिले बच्चे, ऑटिस्टिक, हैवी सीरियस ऑटिस्टिक चाइल्ड, देन बहुत सारे क्रैंकी किड्स, बहुत सारे ओवरवेलमिंग किड्स, खुशी खुश रहने वाले बच्चे, इन सबको मैं हैंडल करती हूँ. सो माई सजेशन इज, व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज दैट ट्राई टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विथ योर किड्स. एंड इफ योर किड इज हैविंग अ स्पीच डिले प्रॉब्लम, ट्राई टू यू नो मेक देम रीड बुक्स, रीड स्टोरीज विद देम, सेंटेंसेस बनाइए, उनको स्टोरीज पढ़वाइए, जितना हो सके उनसे बातें करिए वर्बली. टीवी में दिखा देने से आप छोड़ के चले जाएंगे, खाना बनाएंगे टीवी में तो बात कर रहे हैं, बच्चा वो देख रहा है, बच्चा वो नहीं देखेगा, बच्चा कलर्स देखेगा, म्यूजिक देखेगा, बच्चा वो क्या बोल रहा है, ही विल नॉट फॉलो इट. सो माई गुड विशेज आर ऑलवेज विथ यू, प्लीज डू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन. वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प करते हुए मैं करती हूँ आपको बाय बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. एंड यस, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करें. आई नो मैं वीडियोज रोज नहीं लाती हूँ, बिकॉज कॉन्टेंट ना स्ट्रांग होना चाहिए, आप कुछ भी नहीं डाल सकते हो. व्हाट आई बिलीव इज, मैं यहाँ पर लोगों का हेल्प करने के लिए ज्यादातर आती हूँ. एंड माई डेली व्लॉग एंड माई व्लॉग्स, मेरे व्लॉग्स में कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी. एंड यस, ओ यस, आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.